सब्सक्राइब चैनल हेलो हाय वेलकम बैक दिस इज राज कमल टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक अल्टरनेटर अल्टरनेटर और अथवा थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर ध्यान रहे अल्टरनेटर को ही बोला जाता है थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर ये उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली अल्टरनेटर थ्री फेज के ही डिज़ाइन किए जाते हैं मोस्टली थ्री फेज फेज के और सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे थ्री फेज़ के तो ओके इसको मैं डिस्कस करता हूँ एक चीज़ हाँ आप हमारे अब टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म प्लेट एजुकेशन ये आ, टेलीग्राम है आ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पर मैं अब लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको देता रहूँगा ओके okay, तो मैं इसको चाहता हूँ कि क्वेश्चन से पहले करने से पहले कुछ थियोटिकल पोर्सन को मैं एक बार डिस्कस कर दूँ आपसे फिर मैं इस चीज़ की रिगार्डिंग आपसे अच्छे से क्वेश्चन बनाऊंगा अल्टरनेटर के कुछ भी नहीं है थ्री फेज जो है आपका ये अल्टरनेटर है इसके अंदर कुछ भी है ही नहीं आप एकदम कॉन्सेप्ट समझिए इसको और इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको बस समझना एक बार अल्टरनेटर एक्चुअली होता क्या है काम कैसे करता है अल्टरनेटर किसको क्या कहते हैं देखिए अल्टरनेटर मैंने पहले लिखा अल्टरनेटर ये जो है थ्री फेज सिस्टम से जेनरेट करने वाला सिस्टम है तीन फेज का ये अगर उत्पन्न होगा एक फेज तो 120 डिग्री से फिर लैग जाएगा फिर 120 डिग्री से लैग जाएगा यही है थ्री फेज सिस्टम हमारा उत्पन्न होता है तो ये एक तरीके का जनरेटर है थ्री फेज जनरेटर थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर तो अल्टरनेटर का दूसरा नाम क्या हो गया अल्टरनेटर तो अल्टरनेटर का मतलब क्या जो अल्टरनेट कर रहा हो यानी ए सी उत्पादन है ना और ए सी उत्पादन के साथ साथ इसको लिखा है थ्री फेज सिंक्रोनस यानी थ्री फेज सिस्टम के लिए कितने फेज के लिए थ्री फेज सिस्टम के लिए सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है देखिए आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट है ना और पोलर सेटेलाइट सिंक्रोनस को ही आर्टिफिशियल सेटेलाइट भी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सिंक्रोनस जनरेटर में जो होते हैं आपके फील्ड वाइंडिंग समझिएगा सिंक्रोनस जनरेटर में फील्ड की जो गति होती है एन एस रोटर की गति भी वही होती है तो सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है एन आर बराबर एन एस होता है जो रोटर की स्पीड होती है वही आपकी सिंक्रोनस फील्ड की स्पीड होती है तो सिंक्रोनस हमने बोला जो सेटेलाइट के बारे में बोलते हैं तो वो क्या होता है सिंक्रोनस सेटेलाइट जिस रफ्तार से अर्थ आपका मूव कर रहा है रफ्तार नहीं जितने देर में अर्थ मूव कर रहा है आपका जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट होते हैं सिंक्रोनस टाइप का वो भी अर्थ की क्रॉस्पॉन्डिंग उसी उससे ज़्यादा रफ्तार में लेकिन स्टेशनरी होता है देखिए ये थोड़ा मूव करेगा तो ये ज़्यादा मूव करेगा स्पीड से लेकिन ये इसको हमेशा देखता रहेगा यहाँ से क्या करता है देखता रहता है इसके लिए चूंकि इसका सक्रम फेज ज्यादा है तो इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है इसकी गति कम होती है लेकिन ये एक दूसरे का हमेशा साथ साथ चलता है ये इसको देखता रहेगा ये यहाँ पर पहुँचा ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया तो ये इसको इसके साथ ये इसी को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट सिंक्रोनस का मतलब होता है सिंक्रोनस मशीन कहता है कि इसका रो रोटर जिस गति से घूम रहा है इसका फील्ड जब हम वाइंडिंग कर देते हैं थ्री फेज का तो फील्ड भी उसी गति से चलता है हालांकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आज जो पढ़ा होगा एक बार तभी उसको ये चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे ये काम करता है फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि थ्री फेज का कैसे काम करता है देखिए थ्री फेज के रिगार्डिंग कहते हैं कि थ्री फेज चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए थ्री फेज का जो अल्टरनेटर है मैं एक बार डिजाइन करता हूँ अल्टरनेटर मतलब जनरेटर है ना ये मान लीजिए थ्री फेज सिस्टम का स्टार्टर है स्टार्टर वो होता है जो रुका हुआ भाग होता है रुका हुआ भाग है ये थ्री पॉइंट स्टार्टर का ये थ्री फेज जनरेटर का है ना सिंक्रोनस जनरेटर का ये रुका हुआ भाग भा है इसमें हमने थ्री फेज सिस्टम के लिए तीन वाइंडिंग किया है मान लीजिए यहाँ पे तीन वाइंडिंग है देखें जो थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर है इसमें आप हमेशा याद रखें आर्मेचर वाइंडिंग को मोस्टली प्रीफर करते हैं कि स्टेटर क्योंकि आर्मेचर बहुत ही वजनदार और बहुत ज़्यादा करंट वोल्टेज कैरी करता है तो आर्मेचर वाइंडिंग को हम रखते हैं यहाँ पर स्टेटर पे क्या रखते हैं जबकि डी सी मोटर वहाँ हैं रोटर पर रखते हैं या ना यहाँ पर ध्यान रखना है चूँकि ये हैवी होते हैं तो हम क्या करते हैं इस पर जैसे कि एक फेज़ होगा यहाँ आर यहाँ वाई और बी आर वाई पी बी होते हैं और उसके बाद देखिए जब जनरेटर का रोटर होता है ये देखिए कंस्ट्रक्शन पहले मैं बता रहा हूँ इसमें क्या किए जाते हैं इसके रोटर पे फील्ड बनाने के लिए इसमें एक वाइंडिंग करके इसको डीसी सप्लाई दी जाती है ठीक है ना आप कहोगे सर थ्री फेज ए है डीसी क्यों फील्ड उत्पन्न करने के लिए ताकि अगर कॉयल को आप सप्लाई देंगे डीसी तो यहाँ हमेशा एक एन पोल बना रहेगा और यहाँ हमेशा क्या बना रहेगा एस पोल अब ये एक चुंबक बन गया एन एस ये क्या करता है अगर मशीन कुछ नहीं कर रहा रुका भी हुआ है अगर ये आपने सप्लाई दे रखा है तो एन का फ्लक्स ऐसे जाएगा इस पाथ से इस कोर के पात से होके गुजर के एस की ओर आ जाएगा और यहाँ से भी एन का फ्लक्स जाएगा इस कोर से होकर गुजरते हुए यहाँ से गुजरता रहेगा चाहे आपका जनरेटर अभी चालू हुआ है या नहीं है अगर सप्लाई ऑन होगा तो ये चलता रहेगा और अब सोचिए इसी को ना हम घुमाएंगे जनरेटर में क्या करते हैं मैकेनिकल एनर्जी देते हैं रोटर को घुमाते हैं और रोटर का, के ऊपर फील्ड रहता है ये फुल्ड फील्ड क्या करता है इस कंडक्टर को रखे हुए आर वाई और बी फेज के कंडक्टर को क्या करता है काटता है जैसे ये घूमता है ये काटता है तो यहाँ पर देखिए तीन फेज सिस्टम है हमने यहाँ से थ्री फेज सिस्टम निकाला अगर ये स्टार कनेक्टेड हो गए तो एक और न्यूट्रल हो जाएगा नहीं तो तीन फेज सिस्टम होगा अगर न्यूट्रल की बात करूँ तो एक न्यूट्रल वायर निकाल लिया और एक आर वाई और बी यहाँ देखिए जब ये घूमेगा तो इस फील्ड फील्ड फ्लक्स को कट कर ये कंडक्टर है यहाँ कंडक्टर ये कंडक्टर ये फ्लक्स किसको करेगा आर वाई बीस तीनों फेज के कंडक्टर को बार बार कट करता रहेगा और रफ्तार से ये घूमता रहेगा तो क्या क्या चीज़ें हमने देखा स्टेटर पे हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है देखिए रोटर पे भी रहता है हो सकता है लेकिन वो जनरेटर कम से कम प्रेफर करते हैं जिसमें रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग और स्टेटर पे फील्ड वाइंडिंग वो हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता इसीलिए हम हमेशा जनरेटर थ्री फेज का जो प्रीफर करते हैं चूँकि ये बहुत वजनदार होते हैं बहुत हेवी है साइज़ का होता है जितने भी अल्टरनेटर है चाहे एन टी पी सी में हाइड्रो पावर प्लांट में हो या जहाँ भी बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन पे जिससे हम ट्रांसमिशन करते हैं हर जगह इसी टाइप का जनरेटर का उपयोग किया जाता है अब एक बार मैं इसको और फिर से आपको दिखाता हूँ ये हमारा क्या रह गया तब स्टेटर ये थ्री फेज का और इसके अंदर है हमारा रोटर देखिए अब रोटर अभी गोलाकार बना दिया इससे पहले एक आ, स्टेट वाइन में लंबा बनाया था तो रोटर के टाइप होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा चलिए मैंने इसे ऐसा ही पोल बना दिया ये पोल क्या करता है जैसे इसको कट किया और यहाँ मान लीजिए कोई लोड लगा हुआ है तो हमने जैसे ही इसको कट किया इसके फ्लक्स से इसको कट करवाया है ये एन पुल है एस पुल है तो ये जैसे से कट करेगा ई एम प्रोड्यूस हुआ और ई एम प्रोड्यूस अगर मान लीजिए कोई लोड यहाँ पे लगा हुआ है हालांकि काफ़ी इसके वर्किंग होते हैं लोड कैसा है लेगिंग है लीडिंग है या फिर इंडक्टिव है कैपेसिटिव है इस टाइप के लोड हो सकते हैं तो लोड अगर इस टाइप के होंगे अब देखिए तो उससे करेंट सर्कुलेट किया तो ये जिस रफ्तार से रोटर की गति होती है और सोचिए कि तीन वाइंडिंग है तीन वाइंडिंग अगर हमने क्लोज पाथ कर दिए तो ये भी फील्ड उत्पन्न करेगा कि नहीं ये भी फील्ड उत्पन्न करता है ये कंडक्टर ये कंडक्टर थ्री फेज अगर कोई बैलेंस सिस्टम हो थ्री फेज मान लीजिए कोई बैलेंस सिस्टम हो 120 डिग्री पे एंगल पे है ना और इसको अगर इनर्जाइज किया जाए इससे करंट सर्कुलेट हो तो ये भी फील्ड उत्पन्न करता है तो उसी को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड एन एस ये और एन आर रोटर की स्पीड हमेशा क्या होता है बराबर अल्टरनेटर में लेकिन अगर मोटर की बात करें थ्री फेज मोटर जो होता है उसमें हमेशा रोटर की स्पीड थोड़ा सा कम होता है किससे सिंक्रोनस के फील्ड के स्पीड से यही दोनों में अंतर होता है थ्री फेज अल्ट मोटर में इंडक्शन मोटर और थ्री फेज अल्टरनेटर में तो यहाँ क्या हो गया दोनों बराबर था इसमें जब भी फॉर्मूला हम एन एस बराबर क्या कहेंगे एन आर किसके लिए सिंकुनस जनरेटर के लिए जो कितना होगा वन ट्वेंटी एफ पी को हमेशा फॉलो करता है ये अल्टरनेटर के लिए होता है ये किसके लिए होगा अल्टरनेटर के लिए लेकिन यही अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात होती तो वहाँ सिर्फ सिंकोनस स्पीड का होता वहाँ रोटर की स्पीड नहीं होती है वहाँ पे एस एन एस बराबर होता है 120 एफ बटे पी तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चलिए हमने बोला कि ये जो मशीन होते है, बहुत हैवी होते ये मशीन चाहे जितने भी एन टी पी सी हैं आपके है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट है पावर प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट है इन सब जगहों पे बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पे एम में पावर जनरेट की जाती है सब जगह इसी तरह का जनरेटर उपयोग किया जाता है अब इसमें मैंने बोला कि अब रोटर के भी कुछ टाइप देख लीजिए आपको बोलता है देखिए आउटर फ्रेम इसमें क्या करता है तो ये फ्लक्स अगर यहाँ पे है मान लीजिए हमने पोल बनाया एक रोटर का एंड पोल पुल पर इस फ्लक्स के लिए भी रास्ता प्रदान करता है ये आउटर कोर ये बाहरी बॉडी किसका करता है फ्लक्स के लिए भी रास्ता प्रदान करता है चाहे डीसी में भी देखें और यहाँ भी देखें तो फ्लक्स के लिए रास्ता प्रदान करता है और दूसरा क्या है मैकेनिकल को मैकेनिकल ही प्रोटेक्शन भी देता है इस जनरेटर को कवर भी किया हुआ है बाहरी कोर है ना इस पर कवर होते हैं तो बाहरी कोर प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकली प्रोटेक्ट करता है अब हम बोला हमने बोला कि इस रोटर के अंदर इस जनरेटर के अंदर जो होते हैं हमारे दो तरह के रोटर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये रोटर क्यों किस लिए होता है वो भी देखना ज़रूरी एक ऐसा रोटर होता है देखिए एक जिसमें प्रोजेक्टेड पोल होते हैं ये इस्टेप का इसी को चाहे तो लोग ऐसे भी बनाते हैं ये फोर पोल का मशीन हो गया लेकिन प्रोजेक्टेड पोल का जिसमें खड़ा हो सब ये ये खड़ा ये एयर गैप कुछ और है यहाँ पे एयर गैप कुछ का और है और एक होता है सर्कुलर दूसरा क्या होगा सर्कुलर तो हम डिस्कस करते हैं एक बार जो हमारा रोटर होता है दो तरीके का होता है मशीन के अंदर का रोटर एक टाइप का और एक टाइप का ये देखें आप फोर पोल चाहेंगे तो फोर पोल बना लीजिए ये किसी मशीन के अंदर होता है और ये सिलेंडर और ये ऐसे क्यों बनाए जाते हैं एन एस और ये हमारा आउटर बॉडी होता है ये देखें इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं देखिए सिलेंड्रिकल में क्या होता है सिलेंड्रिकल इसलिए होता है ये बहुत ज़्यादा गति के लिए वो हमेशा प्रिफर करते हैं सिलेंडिकल पोल जो रोटर होते हैं ये पूरा ही सर्कुलर होता है तो इसको बहुत ज़्यादा गति के लिए हम प्रयोग करते हैं जहाँ पे हैवी स्पीड की मोटर की जनरेटर की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम क्या करते हैं सिलेंडिकल करते हैं इसमें मैक्सिमम दो चार पोल ही हम बनाते हैं जैसे अभी दो पोल बने हुए एक और हम ऐसे कर देते हैं तो एक पोल यहाँ भी एक यहाँ भी बन जाता तो चार पोल बन जाते तो सिलेंडिकल में हम मैक्सिमम दो चार पोल ही बनाते हैं और हाई स्पीड मोटर के जनरेटर के लिए होता है किसके लिए हाई स्पीड में हाई स्पीड क्यों हाई स्पीड अगर रहेगा तो हम कि फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना होता है इंडिया में पचास हर्ज कितनी मेंटेन करना होता है फिफ्टी हर्स फिफ्टी हर्ज मेंटेन करने के लिए पोलों की संख्या अगर कम भी होगी तो ये फिफ्टी फिफ्टी हर्स फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर देगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इजकल टू पी एन अपन वन ट्वेंटी देखिए अगर पोल की संख्या कम है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा तभी तो फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ज मेंटेन रहेगा पी एन बटर वन ट्वेंटी एफ बराबर बड़ है बताइए अगर पोलिंग की संख्या कम होगी जहाँ पे वहाँ पे फिर उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए बहुत ज़्यादा तभी फिफ्टी ईयर मेंटेन करेगा और देखिए इसीलिए इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे देखिए न्यू स्टीम टर्बाइन में स्टीम टर्बाइन में क्या होती है जो भाप होता है टर्बाइन के ब्लेड पर बहुत तेज़ी रफ्तार से घूमता है तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पोल की संख्या कम होगी न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हम जो हीट न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय कराते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है वो पानी को गर्म करता है स्टीम बनता है फिर उसका स्टीम टर्बाइन के ब्लेड पर पड़ता है वो भी बहुत तेज़ी गति से चलता है तो यहाँ पर जहाँ पे तेज़ गति से होता है वहाँ सिलेंड्रिकल टाइप का रोटर का उपयोग करते हैं अब देखिए आप, आप हाइड्रो टर्बाइन कहीं भी गए होंगे पनबिजली के पास तो वहाँ पे क्या होता है ये जो है आ, उसकी गर पानी जो है ब्लेड पे वो धीमी गति से गिरता है इसके ये जो हमारा साफ्ट होगा इसका साफ्ट इस पर जो टर्बाइन हमारे ब्लेड लगे होंगे इस पर जो पानी गिरता है ये पानी बहुत धीमी गति से गिरता है तो धीमी गति से जब घूमेगा तो बताइए तो इसकी स्पीड कम होगी तो बस स्पीड कम होगी अब पोलो की संख्या भी कम रख देंगे तो हमारा फ्रिक्वेंसी तो कम ही हो जाएगा ना पी एन अपन वन ट्वेंटी के हिसाब से जब पोल भी कम स्पीड भी कम तो फ्रीक्वेंसी कम तो इसीलिए हम क्या करते हैं स्पीड अगर हम कम है पानी के गिराने से किसी ब्लेड पर तो हम क्या करते हैं पोलों की संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं क्या करते हैं यहाँ देखिए पोलों की संख्या यहाँ दो चार पोल से काम नहीं चलता आठ दस पंद्रह बीस मतलब पंद्रह तो आउट नंबर नहीं होते इवेंट में ही होगा तो पोलों की संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो अब सोचिए पोल की संख्या हम बहुत बढ़ाएंगे तो क्या छोटा एरिया में अगर रहेगा तो उसमें पोलों की संख्या हम बढ़ा पाएंगे क्या नहीं देखिए अगर हम छोटा एरिया में पोल प्रोजेक्टेड करेंगे तो नहीं पोल ज़्यादा बना पाएंगे दो चार में ही भर जाएगा ये तो आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या इसका डायमीटर कितना होना चाहिए देखिए अगर जिसके स्पीड क्या कम है वहाँ पे पोलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाना है अगर पोलों की संख्या आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो उसकी डायमीटर ज़्यादा रखनी पड़ेगी इसकी डायमीटर देखिए इतना रखना पड़ेगा अगर डायमीटर ज़्यादा रखें तो यहाँ पर पोलों की संख्या क्या होगी हो, ज़्यादा होती चली जाएगी ये देखिए हालाँकि मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ देखिए पोलों की संख्या अगर ज़्यादा बनाना है ये देखिए ऐसे बनाते हैं ये इस टाइप से रोटर बनता है ये जहाँ पर पोलों की संख्या ज़्यादा हो तो उसका डायमीटर ओबियसली आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा तभी देखिए इतने पोल एडजस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा डायमीटर डायमीटर किसको हम बोल रहे हैं फिर से समझिएगा यहाँ पर ये वाला सर कम उसका ज़्यादा रखना पड़ता है ये डायमीटर तो तभी तो पोल ज़्यादा एडजस्ट होंगे कम भी स्पीड पे घूमेगा तो लो स्पीड के लिए हाई भी डायमीटर लेकिन जो इसका क्रॉस सेक्शनल ये जो होता है चौड़ाई वो कम होती है ये देखिए चौड़ाई कम होगी चौड़ाई कम लेकिन इसका जो है ये डायमीटर क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सलेंडिकल की बात करूँ तो ये देखिए पोल तो दो चार ही बनाने हैं एक वाइंडिंग ऐसे कर दिए तो ये एक पोल बन गया देखिए और ऐसे ही बनाना एक इसी इस तरीके से करेंगे तो एक और चार पोल बना तो ये सिलेंडिकल रहते हैं और किसी रोटर में देखिए सिलेंडिकल टाइप का ऐसा ही होता है तो सिलेंडिकल पूरा घुमावदार होते हैं इसके स्टेटर से दूरी जो हर हर जगह समान ही होता है ये हर जगह दूरी क्या है समान है ये देखिए तो इसीलिए अगर ये स्पीड से भी घुमाया जाए तो ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करता शोर उत्पन्न नहीं करता क्योंकि गैप हर जगह समान है ये अगर सैलेंट पोल या प्रोजेक्टेड पोल में जाएंगे तो देखिए अगर ये, ये आउटर बॉडी है अगर हमने यहाँ पे रखा है ये पोल मान लीजिए अभी मैं पोल चूंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है जिसको मैं डिस्कस कर पाऊँ आपसे और ये देखिए इतना भी है अगर मैंने पोल अरेंज किया है ये देखिए और और ज़्यादा पोल हम क्योंकि स्पीड कम होती है तो पोल ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज करते हैं इसी में वाइंडिंग करके यहाँ पोल क्रिएट करते हैं ना इसमें इस वाइंडिंग होते हैं सब पे क्या होते हैं ये वाइंडिंग होते रोटर है सब पे वाइंडिंग होते हैं यही कट करेगा हमारे तो थ्री फेज सिस्टम के कंडक्टर को है ना अब बताइए इसके कंडीशन हमने क्या बोला यहाँ पे डायमीटर देखिए क्या है ज़्यादा क्योंकि पोल ज़्यादा ज़्यादा अरेंज करना है यहाँ पे एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल इस तरीके से यहाँ पे होगा तो इसका डायमीटर ज़्यादा होता है एक्सीयल लेंथ जो होता है वो कम होता है एक्सीयल लेंथ है ना अब उस चीज़ को समझें लेकिन सिलेंडिकर वाले में क्या हो गया ये देखिए डायमीटर कम लेकिन ये इसकी लंबाई बड़ी होती है इसकी लंबाई क्या होती है ज़्यादा होती है अब से अमूमा कई बार पूछता है कि ये लंबाई कितने के बराबर तो इसके लेंथ जो होते हैं इसके डायमीटर का पाँच गुना होता है लगभग पाँच से सात गुना भी होता है और वही लंबे वाले के लिए पूछा जाए आपसे इस टाइप का इसको प्रोजेक्टेड पोल बोलते हैं इसको प्रोजेक्टेड पोल या सेलियंट पोल भी बोला जाता है इस टाइप के रोटर को इस टाइप के लिए अगर बोले तो इसका जो डायमीटर होता है ये वाला डायमीटर ये डायमीटर इसके लेंथ के पाँच से सात गुना होता है लगभग है ना तो इस तरीके से दोनों ये हमेशा कम स्पीड के लिए परमिट किया जाता है और सिलेंडिकल वाला हाई स्पीड के लिए परमिट किए जाते हैं तो ये तो है आपके ओवरव्यू से रिलेटेड जनरेटर में क्या होता है किस तरीके से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको अगर अच्छे से समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको आई होप चलिए नेक्स्ट अपने हाँ मैं एक चीज़ कह रहा था हूं, बहुत जल्दी ऑनलाइन आपको क्लासेस फ्री क्लासेस मिलेंगे यूट्यूब पे और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एजुकेशन के नाम से ओके स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चंस को चलिए पहला ही क्वेश्चन कह रहा है आपसे किस प्रकार की धारा अल्टरनेटर जल्द उत्पन्न करता है तो हमेशा अल्टरनेटर क्या होता है एसी सी अल्टरनेटर क्या होता है एसी एसी उत्पन्न करेगा है ना किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है तो अल्टरनेटर वही फिराडे क्योंकि हम क्या देखते हैं एक रोटर द्वारा कोई आउटर फ्रेम पर जो है यहाँ पे जो आउटर फ्रेम होते हैं ऑटर फ्रेम उसके कंडक्टर को कट किया जाता है इस पोल द्वारा है ना तो कट करता है तो इंडक्शन होता है तभी तो ई एम हम थ्री फेज से लेते हैं यहाँ पर तो ये लॉ लॉफ इंडक् चुंबकीय इंडक्शन यानी फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है तो दो का हमारा होगा फिराडेज यानी बी किस प्रकार के करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर की रोटर की होती है अभी देखिए अल्टरनेटर की रोटी रोटर को हमने बोला था कि ये देखिए रोटर को क्या देना होता है हमको डीसी हमेशा चुंबक अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं कोई भी परमानेंट चुंबक नहीं रखते यहाँ पे इसको डीसी सप्लाई दिया जाता है अब ये भी देखें ये डीसी सप्लाई इसी के अंदर बैटरी को नहीं घुमाते नहीं इसके सप्लाई को इसके साफ्ट से ये देखिए साफ्ट से जुड़ा होगा ये घूमने वाला पार्ट तो घूमने वाला पार्ट को डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट नहीं करते यहाँ से रिंग रखते हैं ना दो रिंग की ज़रूरत होती है अगर फील्ड को हमने रखा है आ, रोटर पे और यहाँ से कोई बैटरी के थ्रू या हम कह सकते हैं किसी जनरेटर के थ्रू देते हैं या फिर और एडवांस में इसी को पढ़ेंगे तो यही इसी हिसाब पे हम क्या रखते हैं जनरेटर एक डीसी सी जनरेटर लगा देते हैं उसको स्लिप रिंग से जोड़ के इसको दे देते हैं तो हमारा क्या होगा क्या देते हैं इसको डीसी देते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहा गया है अल्टरनेटर जो बड़े आकार को उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है जो बड़े आकार का अल्टरनेटर होता है देखिए फ्लक्स के साथ रखा जाएगा आर्मेचर को तो स्थिर रखा जाता है और फ्लक्स वाले को क्या करते हैं घूर्णन में रखते हैं ये ना घूमता है तो फ्लक्स को क्या करते हैं घूर्णन गति में रखते हैं तो हमारा क्या होगा राइट आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ में अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिपरिंग होते हैं अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिपरिंग होते हैं तो दो अल्टरनेटर क्योंकि हमने क्या देना है डीसी देना है तो डीसी एक प्लस और माइनस तो स्लिपरिंग कितने होंगे दो नेक्स्ट देखिए रोटर की डीसी सप्लाई देने वाला जनरेटर क्या कहलाता है एक्साइटर वही ना पोल ये देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ इस पर फ्लक्स उत्पन्न करना है है ना या तो डीसी बैटरी दीजिए या अल्टरनेटर लीजिए लेकिन भाई भी मशीन में कभी भी बैटरी नहीं लगाते हम क्या लगाते हैं जनरेटर लगाते हैं ये जनरेटर क्या करता है ये यहाँ पे एक जनरेटर लगा दिए वही सप्लाई देता है इसको रिंग के द्वारा देता है ना तो इसको क्या बोलते हैं एक्साइट करने वाला ये ये जनरेटर क्या करता है एक्साइट करता है एक्साइट करके क्या करता है एक्साइटेशन देता है पोल बनाता है क्या बनाता है एन और एस पोल बनाता है यानी उत्तेजक के जैसा कार्य करता है राइट आंसर विल बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन कुछ भी नहीं इसको अच्छे से समझना आपको और चूंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं मिल पाता नहीं तो बहुत अच्छी थ्योरी आपको समझ आता कुछ भी नहीं है इस सब में आप अच्छे से कर सकते हैं एक बार पढ़ेंगे तो ओके निम्न में से कौन एक अल्टरनेटर के रोटर के प्रकार है देखिए बेलनाकार जिसको सिलेंडिकल बोलते हैं और सेलियंट पोल या प्रोजेक्टेड पोल इसी का नाम है तो दोनों होते हैं लेकिन इसको ऑप्शन देखिए तो तीसरे में क्या दिया हुआ है दोनों सिलियन पोल और बेलनाकार तो हमारा यही राइट आंसर घुमावदार टाइप का नहीं होता है ना तो हमारा दोनों के लिए राइट आंसर हुआ सी नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए क्या दिया हुआ है किस गति के प्राइम मूवर में प्राया सेलियन पोल के रोटर होता है देखिए सेलियन पोल मतलब प्रोजेक्टेड पोल इस टाइप का मोटर रोटर इस टाइप का बताइए तो किस चीज के लिए प्रिफर करते हैं जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा हो पोल ज्यादा से ज्यादा आ सके देखिए इधर से भी पोल आ सके डायमीटर जिसका ज्यादा हो इसकी मतलब इसकी स्पीड क्या होगी निम्न स्पीड क्या होता है निम्न निम्न स्पीड मध्यम हो ही नहीं सकता मध्यम एवं उच्च हो ही नहीं सकता उच्च हो ही नहीं सकता निम्न एवं मध्यम के लिए सुटेबल होता हमारा है ना नेक्स्ट देखिए आप किस गति के प्राइम मूवर में प्राय बेलनाकार प्रकार के रोटर होता है किस गति के प्राइम मूवर में यानी प्राइम मूवर किसको बोलते हैं जी जिसको घुमाया जाता है ना प्राइम में बेलनाकार बेलनाकार किसको बोलेंगे ये सर्कुलर इसमें कति इस टाइप की रोटर की गति क्या होती है बहुत तेज़ी क्योंकि इसमें पोलों की संख्या भी कम को कितना चाहिए कम से कम एन एस एन एस है ना चार छः बहुत ज़्यादा हो जाता है ना जबकि आपके साइलेंट पोल वाले में आ, दस बारह अट्ठारह बीस बाईस नॉर्मली बोलते हैं बीस बाईस पोल होते हैं किसी हाइड्रो हाइड्रोटर्बाइन में तो देखें क्या होगा बेलनाकार के लिए हाई गति के लिए उच्च गति के लिए ठीक है ना हाई गति के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस बात पर निम्न में से किस बात पर अल्टरनेटर में जनित तो विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करती है देखिए किस पर निर्भर करती है ध्रल्टरनेटर धुरो की संख्या पर हाँ करती है अल्टरनेटर की गति पर हाँ करती है फ्रीक्वेंसी देखिए ना फॉर्मूला अब क्या होता है पी एन अपॉन वन ट्वेंटी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा बाहर से कुछ नहीं कर सकता इस हालत में क्या बताएं चलिए तो f इजकल टू क्या करें पी एन अपऑन वन ट्वेंटी तो किस पे पोलों की संख्या पर और उसकी गति पर निर्भर करता आवृत्ति है ना तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा यानी ध्रुप संख्या ये भी है अल्टरनेटर के आकार पे इस पर नहीं करता है ना तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ए और बी के लिए डी हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट देखिए 1500 rpm पर चल रहा एक अल्टरनेटर पचास हर्ष वोल्टा उत्पन्न करता है तो अल्टरनेटर धुरों की संख्या कितनी होगी तो बस एक ही फॉर्मूला आपसे हमने दिया है कि एन एस अपॉन क्या एन एस स्विच टू क्या होता है वन ट्वेंटी एफ अपॉन पी है ना अब क्या पूछ रहा है ध्रुवता पूछ रहा है तो पी बराबर क्या हो जाएगा एक सौ बीस गुना पचास और पोलो की संख्या आ, हाँ एन कितना दे रखा है पंद्रह सौ आर तो देखिए दो जीरो एक इससे इससे कैंसिल पाँच थ्री पंद्रह तीन चौक बारह कितने पोल आ गए हमारे चार ध्रुव की संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ इसमें भी कुछ नहीं है आप खुद भी डिस्कस करें एक बार क्या दिया हुआ तीन हजार आर दो पोल आवृत्ति में क्या होगी एफ इजकल पी एन अपॉन वन ट्वेंटी वही फार्मूला को बार बार घुमाया जा रहा है देखिए पी कितना है दो स्पीड कितनी है तीन हजार आर पी एम बाई एक सौ बीस एक जीरो कैंसिल आउट सिक्स पचास हर्ट्स है ना राइट आंसर विल बी फिफ्टी हर्ट्स देख देखिए क्या बोला है सेलियंट पोल सिलियन पोल किसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड पोल के जहाँ पे पोल देखिए नाम सुनने से लगता है पोल नहीं होगा लेकिन प्रोजेक्टेड पोल होता हैं ये वाला पोल है ना सीलियट पोल टाइप के रोटर डाइस होते हैं क्या होते हैं देखिए इसकी ब्यास क्या होती है ज़्यादा हो, इसकी होती है इसकी ब्यास क्या होती है ज़्यादा बड़े एरिया में होता ताकि पोलों की संख्या ज़्यादा एडजस्ट हो पाए टीढ़े सॉफ्ट वाले ऐसा नहीं है ब्यास में छोटे नहीं अक्षय लंबाई में बड़े नहीं ब्यास में बड़े और अक्षय लंबाई में छोटे ये हमारा राइट आंसर अच्छी लंबाई देखिए आपको समझना पड़ेगा क्या होता है कि अगर आ, मैं बनाने का कोशिश करता हूँ ये देखिए ये अगर रोटर है तो ये जो इसके पोल्स बने होंगे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इस टाइप से इस टाइप से बने होंगे तो ये अक्षीय लंबाई ये ये देखिए इस टाइप का यानी ये दूरी जो है ये कम ही होता है ये दूरी कितना होता है कम लेकिन ये डायमीटर इसका क्या होता है ज़्यादा लेकिन ये डिस्टेंस अगर बोला जाए तो ये कम ही होता है इसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती जबकि सिलेंड्रिकल वाले को देखे होंगे ये देखिए इसकी डायमीटर कम होती है पर इसकी लेंथ जो एक्सियल लेंथ होता है ये ज़्यादा होता है ये देखिए घूर्णन वाले साफ्ट होंगे ये लेंथ इसकी लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन इसकी डायमीटर क्या होती है कम होती है तो राइट थर्टीन का राइट आंसर विल बी थर्ड डी नेक्स्ट कह रहा है कैसा विद्युत वाहक बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण छेदन करेगा तो देखिए कैसा विद्युत वाहक बल पैदा होगा अगर कोई कुंडली फ्लक्स का समकोण का छेदन करेगा तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते है? ओके तो देखिए क्या बोला गया है कैसा गया, जब कुंडली फ्लक्स को समकोण पर छेदन करता है देखिए जब किसी को समकोण पर छेदन करेगा यानी 90 डिग्री पर छेदन करेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा मैक्सिमम ये अब डेवलप होगा सपोज दैट मैं कहता हूँ एक कुंडली है यहाँ देखिए ये यह एन पुल है और एस पुल है तो इसका फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा होगा लेकिन कोई कंडक्टर है मान लीजिए यहाँ से यहाँ कंडक्टर भरे पड़े हैं कोई कंडक्टर अगर यहाँ से इसको अगर कट करता हो यानी यहाँ से चला हो और यहाँ अगर कट करेगा यानी समकोण पे 90 डिग्री पे अगर कट करेगा तो सबसे ज़्यादा ई e एम डेवलप होगा क्या होगा सबसे ज़्यादा ई e मान लीजिए कोई कंडक्टर यहाँ से मूव कर रहा हो ये कोई आर्मेचर होता ये आर्मेचर के स्लॉट्स होते हैं आर्मेचर के स्लॉट्स होते हैं इसमें कंडक्टर्स भरे होते हैं और ये कोई पोल होता है ना तो देखिए ये फ्लक्स ऐसे और ये जब ऐसे घूम के जाता तो ये कंडक्टर एकदम समकोण पे काटता समकोण पे जहाँ काटेगा सबसे ज्यादा फ्लक्स कटेगा वहीं पे यहाँ पे क्या होता है देखिए फ्लक्स का अगर कोई कंडक्टर यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है तो ये तो इसके पैल हो समांतर में सब जीरो वोल्टेज होता है लेकिन यहाँ जब कट करेगा इसके फ्लक्स को तो मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप करेगा तो हमारा क्या होगा राइट आंसर विल बी डी अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न होगा कैसी घूर्णन गति के पर कार्य करने योग्य वाष्प टर्बाइन चलित होता है तो वाष्प टर्बाइन मतलब हाई स्पीड वाष्प टर्बाइन मतलब जिसमें बहुत ज्यादा गति हो उच्च गति के लिए राइट आंसर विल बी ए नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित किन बातों पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति निर्भर करता है ये तो अभी तुरंत ही हमने शायद पढ़ा है विद्युत तो वाहक बल की आवृत्ति निर्भरता करता है केवल घूर्णी गति पे घूर्णन गति पे केवल तो चलिए आगे भी देखते हैं यह भी एक सही है केवल पोल की के संख्या पर पोल्स की संख्या तथा घूर्णन गति पर तो यानी आवृत्ति किस पे निर्भर करता है पोल की संख्या भी तथा घूर्णन गति पर भी नेक्स्ट निम्न में से कौन सा अल्टरनेटर की रेटिंग को दर्शाता है तो देखिए जब हेवी रेटिंग का अल्टरनेटर हो तो उसकी रेटिंग जो हम बोलते हैं के भी है में होना शुरू हो जाता है किसमें के भी हाई रेटिंग के लिए के और वोल्ट टेम्पियर में हम नोट करते हैं तो यानी हमारा राइट आंसर होता है ऐसे कंडीशन में डी नेक्स्ट देखें प्राइम मूवर प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित समायोजित रखना पड़ता है प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित रखना पड़ता है ताकि अल्टरनेटर का आउटपुट डाइस रहे देखिए ओवर की घूर्णन गति को नियत रखते हैं क्या करते हैं समायोजित रखते हैं ऐसे फिक्स रहते हैं क्योंकि स्पीड घटने बढ़ने से फ्रिक्वेंसी चेंज होता है और फ्रिक्वेंसी नियत रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए तो हमारा यहाँ पर क्या होगा फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है यानी प्राइम प्राइमर कभी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ही सेंसिटिव एलिमेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए तो हमको फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नाइनटीन नाइनटीन क्या करा है निम्न में से कौन अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता है अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएँ कौन सी होती है तो देखिए किसी भी अल्टरनेटर को क्या चाहिए जी चुम्बकीय क्षेत्र तो चाहिए चाहिए ये तो चाहिए चाहिए स्लिप रिंग ब्रश तो चाहिए स्लिप रिंग ब्रश क्यों ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डी फील्ड को जो हम आ, अंदर में रोटर को देंगे वहाँ फील्ड उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं स्लिप रिंग के द्वारा डी सप्लाई देते हैं तथा ब्रशों की जरूरत होगी आर्मेचर की भी जरूरत होगी तो अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता तो सब है तो राइट आंसर विल बी डी नेक्स्ट बोला गया है कथन कौन सा सत्य है देखिए कौन सा कथन सत्या आप ही पढ़े आर्मेचर कोयल स्टेटर के स्थापित की, की जाती है आर्मेचर कोयल स्टेटर में हमेशा क्योंकि हैवी होते हैं हैवी होते हैं तो आर्मेचर कोयल को कहाँ रखते हैं हमेशा स्टेटर पे इसको स्थिर इस रखते हैं रोटर पे नहीं रखते जबकि डीसी में ऐसा कैसा होता है रोटर पे रहता है ध्यान रहे अल्टरनेटर का आर्मेचर में डीसी धारा होती है नहीं ये तो बिल्कुल गलत है आर्मेचर में डीसी नहीं होती एसी उत्पन्न होती है नेक्स्ट बोला गया है ए तथा बी दोनों नहीं ये भी नहीं है तो हमारा राइट आंसर क्या है ए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्यों एसी मशीन का स्टेटर को कोर सिलिकन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, बहुत जगह काम आएगा क्यों एसी मशीन का स्टेटर को कोर सिलिकन स्टील के लेमिनेटेड चादर से बनाई जाती है देखिए सिलिकन स्टील मैंने पहले भी डिस्कस किया था सिलिकन स्टील से जब हम बनाते हैं किसी का ऐसा ही स्टील तो सिलिकन स्टील बनाने से क्या होता है उसके हाईस्ट्रेसिस लॉस कम होते हैं कौन लॉस कम होते हैं हाईस्ट्रेसिस और लेमिनेशन चादर चढ़ाने से कौन सा कम होता है एडी करेंट लॉस कम होते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखें लेमिनेशन से एडी करेंट लॉस कम होते हैं मशीन में ये दोनों लॉस होता है फिक्स कॉन्स्टेंट लॉस या लो लॉस में दो लॉस होते हैं हाईस्ट्रेसिस और एडी तो चादर चढ़ाने से एडी करेंट लॉस होता है सिलिकन से ये तो जब ए मशीन में सिलिकन की लेमिनेशन चादर बनाएगी दोनों वर्ड को बोला गया है तो ऐसे करंट में ये टोटल

नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है थर्ड ट्वेंटी थ्री में निम्नलिखित में से किस uh, से अल्टरनेटर की रेटिंग फील्ड प्रायोजित होता है निम्नलिखित में से किस के कारण से अल्टरनेटर में रेटिंग रोटेटिंग फील्ड प्रयोग होता है तो रोटेटिंग किस कारण से दो ही स्लिप की जरूरत होती है यह तो बहुत ज़रूरी है दो ही स्लिप की आवश्यकता होती है इसमें नेक्स्ट है बी में आर्मेचर पर स्लाइडिंग युक्ति नहीं होने के कारण स्पार्किंग नहीं हो, होती है और मशीन की दक्षता बनी रहती है ब, बन जाती है अच्छी होती है ना तो ये दोनों चीज़ें सही है क्योंकि अल्टरनेटर में हम क्या करते हैं फील्ड वाइंडिंग को रखते हैं आ, ध्यान रखें रोटर पे और आर्मेचर वाइंडिंग को क्योंकि बहुत करंट कैरी करता है उसको रखते हैं स्टेटर पर स्टैटर पर जबकि मोटर में डीसी मोटर जनरेटर आपने पढ़ा होगा जस्ट उल्टा था तो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टेटर उसी पे रहे सॉरी ट्वेंटी थ्री के बाद ट्वेंटी फोर सॉरी ट्वेंटी थ्री में तो अभी हमारा क्वेश्चन अधूरा है तो हमारा ये भी राइट right आंसर है ये भी राइट right आंसर है नेक्स्ट देखें और क्या बोला गया स्टेटर में अधिक अत्यधिक चालक स्थापित किए जाते हैं तथा तो आर्मेचर वाइंडिंग टूटने का खतरा नहीं रहता था तो हाँ स्ट्रेटर पर क्या होता है ये देखिए फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे तीन पोल ये रह, है वाइंडिंग है इस पर अस्थिर है ये तो इसको कनेक्शन करना आसान है और लेना भी आसान है तो यहाँ पे स्टेटर स्लिपरिंग की तो जरूरत है ही नहीं यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्ट करके हम ले लेंगे क्योंकि ये रुका हुआ है और यहाँ से हम कनेक्शन ले सकते हैं तो हमारा क्या होगा उपरोक्त सभी हमारा राइट है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेस स्विंगिंग को निवारण के लिए किए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं चूँकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं टॉपिक भी होते हैं और इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और यहाँ पर मार्कर भी मेरा इतना शुडोल नहीं हो पाता बोर्ड होता तो शायद बहुत अच्छे से बताते हंटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं मशीन के लिए या फिस् स्विंग उसी को बोलते हैं लेकिन अभी आप याद रखिए कि इसको हंटिंग को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं डेम्पर वाइंडिंग चूंकि क्या होता है ये मेनली जो हंटिंग उत्पन्न होता है प्रोजेक्टेड पोल यानी सेलियंट पोल में होता है सेलेंडिकल पोल में यानी जो बेलनाकार होता है उसमें बहुत नेग्लेजिबल होता है लेकिन सेलियंट पोल में चूंकि क्या होते हैं एयर गैप बहुत ज़्यादा कम होता है तो इसमें स्विंगिंग होता है ये देखिए कैसे एयर गैप की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइप के रोटर में ये देखिए यहाँ गैप कम यहाँ गैप बहुत ज़्यादा इसी कारण ध्वनि भी उत्पन्न होता है इस मशीन में और स्विंगिंग भी, भी होता है इस दो दोस्त बोलते हैं जिसको डैम्पर वाइंडिंग से हम दूर करते हैं डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है ये यह देखिए यहाँ पे डॉटेड में दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम डैम्पर का उपयोग करते हैं स्टार्ट वैसे ही यहाँ पर भी देखिए डैम्पर वाइंडिंग का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको डैम्पर वाइंडिंग दे के सबको शॉर्ट कर दिया जाता है

वाय बी आर वाय बी ये ध्यान रखना है और इससे इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूं आपको इन तीनों कलर को मिलाने से ही क्या बनता है ब्लैक कलर इन तीनों को मिलाने से फिजिक्स में पढ़ते होंगे रेड येलो और ब्लू को मिलाने से कौन सा बनता है ब्लैक कलर इसीलिए न्यूट्रल वेल का कलर क्या दिया जाता है इलेक्ट्रिकल में ब्लैक कलर का है ना इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जबकि ग्राउंडिंग का कलर कैसा होता है ग्रीन ग्राउंडिंग का कलर कैसा होता है जी फोर ग्राउंड जी फोर ग्रीन लेकिन आ, न्यूट्रल वायर का कैसा ब्लैक ओके गाइस तो आ, आज के लिए इतना ही आप लोग के पास बहुत टाइम है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि गोली की रफ़्तार से आपको सिखाऊँ और आप भी बारूद की रफ़्तार से इसको फॉलो करें ओके हैव हैवे नाइस डे